हे एवरीवन, गुड इवनिंग. हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वन स्टॉप मी. दिस इज योर श्रुति मैम. एक बार मुझे फटाफट से बताओ कि क्या सबको आवाज आ रही है क्लियर और स्क्रीन दिखाई दे रही है. कैन यू ऑल हियर मी? कैन यू सी द स्क्रीन? हाय एवरीवन. हेलो माधवी. हाय अरहत. हाय डॉक्टर पाल. हेलो रिया. हेलो सीमा. हाय अरमान. हेलो अलमा. हाय आयुषी. हेलो शिवानी. सबको आवाज आ रही है क्या? कैन यू ऑल हियर मी? सीमा, सेशन शुरू हो गया. हाय वर्षा. भाई, अगर आपको आवाज आ रही है तो मुझे आपसे पहले एक बात बताएंगे, क्या आपने अपडेटेड सिलेबस देखा? हेलो अंकुल, नाम क्यों चेंज कर रखा है अबू? एक बार मुझे बताओ, क्या सबने अपडेटेड सिलेबस नीट 2024 का देख लिया? या नहीं देखा है? तो क्लास शुरू करेंगे उसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बता दूं. क्या आपने ये देखा कि बायोलॉजी के सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं? क्या सारे बच्चों ने बायो में क्या चेंजेस हुए हैं सब देखे? देखा है? नहीं देखा है? आओ फटाफट 2 मिनट में आपको बता दूं क्या चेंजेस हुए हैं, सो दैट अभी के लिए, जब तक आपका जो है फेब्रुअरी एंड है ना, मार्च में आपका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है नीट 2024 का आएगा, है ना, तो जो भी सिलेबस कट डाउन हुआ है, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हैं अभी के लिए, वो वाले चैप्टर छोड़ दो, ठीक है, वो स्किप कर दो और बाकी सारा पढ़ते रहो. तो प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करना और कंफ्यूज नहीं होना. अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो में 6 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, 11th और 12th लेकर, ठीक. अब 11th की अगर बात करें, 11th बायोलॉजी की बात करें, है ना, तो आपका यूनिट 1 कंप्लीट है, ठीक है, ये कंप्लीट आपको पढ़ना है अभी, ये मान लो, ठीक. यूनिट 2 अगर देखोगे तो अभी ये मान लो ये कंप्लीट पढ़ना है, जो आप पढ़ रहे हो वो कंप्लीट पढ़ना है. अब देखो यूनिट 2 में ना 2 जो है डाउट्स हैं बच्चों को, ध्यान से देखो क्या हुआ है. यूनिट 2 में मॉर्फोलॉजी आपको पढ़ना है, यहाँ लिखा हुआ है ना, रूट स्टेम इनफ्लोरेसेंस सब कुछ पढ़ना है, ठीक. 2 चीजें लिखी हैं, एक लिखा है कि प्रैक्टिकल सिलेबस जो है वो देखना है. अब भाई प्रैक्टिकल सिलेबस को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी के लिए क्या करोगे, प्रैक्टिकल सिलेबस वाला पार्ट मत पढ़ो, वेट कर लो फाइनल अपडेट आने की, वेट कर लो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आने की, फिर ये टॉपिक्स कवर कर लेना. दूसरा देखो, फैमिली अभी तक जो आप पढ़ते थे वो कौन कौन सी थी? फैमिली अभी तक जो आप पढ़ते थे वो ब्रैसिकेसी था, है ना, फिर वो उसके बाद लेग्यूमिनेसी था, उसके बाद क्या था, सोलनेसी था, उसके बाद क्या था, पोएसी था, है ना. अब यहाँ पर नए फैमिलीज के नाम दिख रहे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो, है ना. देखो हो सकता है कि अचानक से जो अपडेट आई एनएमसी की उसमें ये मिस्टेक हो और उन्होंने अभी ये नाम लिख दिया है और फिर वो ये मिस्टेक रेक्टिफाई कर दे. तो अभी के लिए आप इन फैमिलीज को छोड़ दो एक बार के लिए और आप उन्हीं फैमिलीज को पढ़ो जो कि आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं. क्या इतनी बात सबको समझ आई? क्या ये चेंज जो मैं बोल रही हूँ सबको समझ आया? प्रैक्टिकल सिलेबस और यहाँ पर जो फैमिली नेम्स ऐसे दिए हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं एनसीईआरटी में, क्योंकि ये नहीं है एनसीईआरटी में, वो अभी के लिए मत पढ़ना. आप वही फैमिलीज पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से चैट में लिखो. लिखो फटाफट से चैट में, ठीक है. अब आओ एक और गलती दिखाती हूँ. यहां पर लिखा है एनिमल टिश्यूज में मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी फंक्शंस ऑफ डिफरेंट, है ना, डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी नर्वस रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब देखो गलती क्या करी है, यहाँ लिखा है इंसेक्ट और ब्रैकेट में लिख दिया है फ्रॉग, है ना. तो लास्ट ईयर तक आपको पता है कि क्या आता था, कॉकरोच आता था, ठीक है. अब फ्रॉग इंसेक्ट तो नहीं है, इंसेक्ट तो कॉकरोच है, तो एक डाउट आ गया ना कि यहाँ पर या तो फिर इंसेक्ट कॉकरोच पढ़ना है आपको, या फिर आपको फ्रॉग पढ़ना है जो कि एम्फीबियन होता है, तो एम्फीबियन लिखा होना चाहिए, है ना. अब अगेन इस डाउट के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी के लिए आपको कॉकरोच या फ्रॉग जो भी पढ़ना है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको स्किप कर दो. जब फाइनली ये करेक्शन हो जाएगा तब आप उस हिसाब से कॉकरोच और फ्रॉग में से जो भी पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा,
ठीक, ये दो मिस्टेक्स दिख रही हैं बेसिकली, है ना, या चेंजेस हैं तो भाई वो भी करेक्ट करके वो आपको बताएंगे, ठीक। तो ये दो चीजों को अभी आप छोड़ सकते हो, एक्स्ट्रा फैमिलीज और कॉकरोच और फ्रॉग में से क्या पढ़ना है वो छोड़ दो एक बार के लिए। फिर आपका यूनिट 3 पूरा आ रहा है, तो अब इसके अलावा यूनिट 2 पूरा आ रहा है ना, आपको वो पढ़ना ही है, ठीक। मॉर्फोलॉजी पूरी पढ़नी ही है आपको, ठीक है, एनिमल टिश्यूज पूरा पढ़ना ही है आपको, ये याद रखना। अब यहाँ पर लिखा हुआ एनाटॉमी भी पढ़नी है ना, तो प्लांट का मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों चैप्टर पढ़ना है। सेल स्ट्रक्चर फंक्शन में आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना है, बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ना है, सेल डिवीजन पढ़ना है। भाई पहले दो चैप्टर जो हटे हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी से हटे हैं, तो प्लांट फिजियोलॉजी से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो पहला चैप्टर था इस यूनिट का, है ना, और दूसरा था मिनरल एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, ये दोनों अभी के लिए स्किप कर दो क्योंकि ये हटा दिया गया है, ठीक। अब याद रखना है ना, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन आपको अभी के लिए नहीं पढ़ना है, ये रिड्यूस हो गया है। आपको फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। अब देखो ध्यान से, अगर लास्ट 5 साल का पेपर भी देखोगे ना, तो वैसे भी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं थे। अब आओ ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, तीसरा चैप्टर 11 से जो हटा है वो फर्स्ट चैप्टर है जो डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन वाला है ना, तो अभी के लिए ये चैप्टर भी छोड़ दो, मत पढ़ो। तो क्या मतलब है इससे, क्या आप मतलब निकालेंगे? उसके अलावा सारे 6 चैप्टर्स है, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, है ना। तो अब जो है क्या क्या चीजें आपको स्किप करनी है ना, क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है 11th में, 3 चैप्टर्स आपको अभी के लिए स्किप करने हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन और तीसरा है डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन। इज दैट क्लियर? क्या सबको ये बात क्लियर हुई? तो एक बार 12th पर आ जाते हैं फटाफट से, ठीक है। अंकुल यार देखो, एक तो पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन बार बार डिस्टर्ब नहीं करना क्लास को, है ना, मैं अभी बता दूंगी आपको, अभी बता देते। चलो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अंकुल, अगर आप जो है नए हो चैनल पर, तो है ना चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको अपकमिंग सेशंस दिख रहे होंगे बहुत सारे, उन सबका रिमाइंडर सेट कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। 6 to 8 PM क्लासेस होती हैं वैसे रेगुलरली, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। और इसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों कवर होता है। अभी बायो और केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, फिजिक्स की क्लासेस चलेगी। रिया, कॉकरोच और फ्रॉग में कंफ्यूजन हो गया ना, ध्यान से सुनो, बार बार रिपीट नहीं करवाना मेरे से, है ना, क्योंकि आप वहीं अटके रहते हो। तो क्या बोला मैंने, यहाँ लिखा है इंसेक्ट और लिखा है फ्रॉग, क्या फ्रॉग इंसेक्ट होता है? एम्फीबियन होता है। इंसेक्ट क्या होता है? कॉकरोच होता है। तो अब आपको कॉकरोच और फ्रॉग में से क्या पढ़ना है, यहाँ क्लैरिटी नहीं है वैसे, तो छोड़ दो एक बार, ये अपडेट करके जरूर आएगा, इसमें गलतियां हैं जो सर्कुलर आई हैं, ये जरूर वापस से एनएमसी अपडेट करके डालेगा, जब वो अपडेट करके डालेगा ना तो क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी के लिए कॉकरोच और फ्रॉग मत पढ़ो, इतना सारा सिलेबस उसके अलावा उस पर फोकस कर लो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो भी फैमिलीज लिखी है मॉर्फोलॉजी में, और ये कॉकरोच फ्रॉग वाला पार्ट और 3 चैप्टर जो हटे हैं वो स्किप कर दो, ठीक। अब आओ सेकेंड जो है क्लास 12th पर। क्लास 12th में सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन का जो पहला चैप्टर था जिसे क्वेश्चन नहीं आता था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, है ना, अब पहला तो यही नहीं पढ़ना है ना। तो ये सोनिया क्यों करा, उसका इंपॉर्टेंस ही बहुत कम था यार, उसे तो आता ही नहीं था सिलेबस में, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ से हट गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा पढ़ना है। और देखो अगर आपने पढ़ भी लिया है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो गलती से क्वेश्चन आ गया जो कि होता है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, पढ़ा हुआ तो होगा। जेनेटिक्स एवोल्यूशन कंप्लीट आपको पढ़ना है, भाई ये चैप्टर्स तो हट ही नहीं सकते, ये हम खत्म करने वाले हैं ऑलमोस्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको आपको एक्स्ट्रा टाइम देकर एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर पढ़ना चाहिए, है ना। तो इसमें आपका तीनों चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। अब आओ बायोलॉजी और जो है ह्यूमन वेलफेयर पर, है ना। अब दो चीजें हैं इसमें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, तो एक चैप्टर हट गया स्ट्रैटेजीज वाला, है ना, ये हट गया अब, ठीक है, अब ये आपको नहीं पढ़ना है। तो दूसरा चैप्टर कौन सा स्किप करो, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हटा है, दूसरा स्ट्रैटेजीज हटा है, हमने पढ़ा भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बायोटेक कंप्लीट पढ़ना है, अगेन बायोटेक वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आएंगे भाई इस बार भी बहुत सारे, है ना, तो रेडी रहना। दोनों प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एप्लीकेशन दोनों पढ़ना है। अब आओ इकोलॉजी और एनवायरमेंट में, तो इकोलॉजी और एनवायरमेंट में अगेन इन्वायरमेंटल इश्यूज हट गया है,
है ना। तो तीसरा चैप्टर जो हटा है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज हटा है। अरमान स्ट्रैटेजी का मतलब स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर की बात कर रही हूं मैं, वो चैप्टर हट गया है ना। तो 11th और 12th बायोलॉजी पूरा मिलाकर कुल 6 चैप्टर्स जो है हटा दिए गए हैं, है ना। 6 चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं जो आप नहीं पढ़ोगे। इसमें से 3 चैप्टर 11th के हैं और 3 चैप्टर 12th के हैं, है ना, ये याद रखना, ठीक है। 3 11th 3 12th, ये चैप्टर्स आप स्किप कर दो। इसके अलावा जो मैंने फैमिलीज वाली बात बोली कि एक्स्ट्रा नाम लिखे हैं वो आप स्किप करो अभी के लिए। आप फाइनल नोटिफिकेशन आने दो, कुछ चीजें बाद में भी आप कवर कर ही सकते हो। और दूसरा आपको क्या स्किप करना है अभी के लिए, कॉकरोच और फ्रॉग स्किप कर दो। एक बार वापस से नोटिफिकेशन आने दो फाइनल वाला, तब जो है कॉकरोच और फ्रॉग कवर कर लेना। पाल फिजिक्स का मैंने देखा था, फिजिक्स में मुझे लगा कोई चेंज नहीं है, केमिस्ट्री में बायो से ज्यादा चेंज हुआ है। कुल 9 चैप्टर्स ही डिलीट हो गए हैं केमिस्ट्री में, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो वहां से भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डिलीट हो गई है। एस ब्लॉक पूरा हट गया है, मेटलर्जी पूरा हट गया है ना। मैं क्या करूंगी, मैं अभी वैष्णवी मैम आपको पढ़ा रही हूँ, उनको बोल दूंगी वो चैप्टर्स जो ओमिट हुए हैं, जो डिलीट हुए हैं, वो आपको पूरा लिस्ट जो है दे देंगी, ठीक। तो उसमें फिजिकल से भी बहुत सारी चीजें हटी है, इनऑर्गेनिक से भी बहुत सारी चीजें हटी है, ऑर्गेनिक से भी कुछ चीजें हटी है ना। तो 9 चैप्टर्स टोटल रिड्यूस हुए हैं केमिस्ट्री में, उसकी लिस्ट आपको कल मिल जाएगी वैष्णवी मैम से, ठीक है, डन। डन, तो बोलो अभी एवोल्यूशन शुरू कर दें। तो हमें आज ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन बेसिकली पढ़ना है। और इसमें हमें क्या पढ़ना है एग्जैक्टली, इसमें हमें पढ़ना है आज प्लांट और रेप्टाइल का एवोल्यूशन, ठीक है। तो अब जो है ये 2 चीजें कवर कर लेते हैं। एक बार बताओ सारे अपनी नोटबुक ओपन करके बैठे हो, एनसीईआरटी साथ लेकर बैठे हो या नहीं, एक बार ये बता दो, बैठे हो या नहीं, है ना। इल्मा अभी क्लैरिटी नहीं थी यार, है ना, क्योंकि वेबसाइट जो ऑफिशियल है वो ओपन नहीं हो रही थी, तो वो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। अब क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी इसलिए अभी के लिए मैम ने आपको बोला था कि हाँ भैया पूरा पढ़ लो, है ना। लेकिन जो 9 चैप्टर्स की क्लैरिटी मिल गई है अभी के लिए, एक बार के लिए वो स्किप कर देते हैं, ठीक। तो एक बार ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन शुरू करें। अब भाई शुरू करें उससे पहले एक बार मुझे क्या चैट में बताओ कि कितने बच्चों ने माइंड मैप्स ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। देखो मैं फिर से आपको बताऊंगी, माइंड मैप्स ऐसी चीज है जो कि आपको बुक के फॉर्म में मिलेगी और आप हर चैप्टर 15 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हो, है ना। अब टाइम ज्यादा रह नहीं गया एग्जाम में और आपको पता भी नहीं कब आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, तो अब टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी आपको। अब आपको माइंड मैप से रिविजन शुरू कर देना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। नीट एग्जाम में एक चीज सबसे अच्छी है वो ये कि आपको बहुत ज्यादा रिविजन करके, है ना, बार बार चीजें याद रहेंगी और उससे सीधा आप आंसर कर सकते हो, है ना। अब इकोसिस्टम है भाई, वो इकोसिस्टम है, सिर्फ इन्वायरमेंटल इश्यूज हटा है ना, उसके अलावा बाकी 3ों चैप्टर्स है। कैसे ऑर्डर कर सकते हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दो, सीधा ऑर्डर आप कर सकते हो। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सर्च करो नीट माइंड मैप्स, है ना। और उसके अलावा यहाँ नंबर दिया हुआ है, आप इसमें मैसेज करके भी ऑर्डर कर सकते हो। आप पूरा सेट भी कर सकते हो 11th 12th का, चाहो तो एक बुक ऑर्डर करके देख लो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपको कैसे हेल्प करेगी, है ना। एक बुक ऑर्डर करके देख लो कोई भी, चाहे वो 11th बायो ऑर्डर करके देख लो, है ना, वो समझ आ जाएगा कि आपको कितनी हेल्प मिलेगी और कैसे आप 700+ का टारगेट पूरा कर सकते हो इससे, ठीक है। डॉक्टर पाल अगेन, अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से करते हो तो वहां पर खुद से ईएमआई का ऑप्शन होता है ना, आप वहीं से कर सकते हो सीधा ईएमआई ऑप्ट करके, ठीक है। ज्यादातर टाइम पर वहां पर ईएमआई का ऑप्शन होता है, एक बार चेक कर लेना। अब आप बात करते हैं एवोल्यूशन की, है ना। एवोल्यूशन शुरू करूं, है ना, प्लांट का, उससे पहले कुछ चीजें याद करो। क्या सबको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद है? अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने कौन कौन से किंगडम पढ़े थे, लिखो चैट में, और उसी ऑर्डर में लिखना जिस ऑर्डर में आपको लिखना चाहिए एवोल्यूशन के हिसाब से, लिखो।
तो अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो मैं बोलूंगी सबसे पहला किंगडम मोनरा, उसके बाद प्रोटेस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटे, और फिर सबसे लास्ट में आता है हमारा किंगडम एनिमेलिया, है ना। तो अब देखो एवोल्यूशन बोलता है कि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आया। भाई मोनेरा में पूरा पूरा बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं हम, और ये प्रोकैरियोटिक सेल से ही बना है। यहां पर यूकैरियोटिक सेल आ जाता है ना प्रोटिस्टा से। लेकिन अब ध्यान से सोचोगे तो प्रोटिस्टा में जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है सब सिंगल सेल के बने हुए हैं, यूनिसेल्यूलर है। फिर इससे नीचे आते हो तो मल्टी सेल्यूलर, फिर टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम लेवल आता है। यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्गेनिज्म की बढ़ती जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जिस तरीके से हम किंगडम मोनरा से एनिमेलिया की तरफ बढ़ते हैं, इसी ऑर्डर में एक्चुअली दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन भी हुआ है ना। इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब भी आप ऐसे किंगडम वाइज याद रखते हो तो आप सेम ऑर्डर में याद रखो जिस ऑर्डर में एनसीईआरटी में आपको चीजें पढ़ाई गई हैं। अब आप जरा एनिमल किंगडम की ही बात कर ले, है ना। अगर मैं सिर्फ एनिमल किंगडम की भी बात कर लूं तो एक और टेस्ट ले लेती हूँ, किस किस को एनिमल किंगडम के सारे फाइलम्स याद है। तो भाई एनिमल किंगडम ना दो ग्रुप में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक होता है हमारा नॉन कॉर्डेट्स का ग्रुप जिसमें बहुत सारे फाइलम्स हैं, दूसरा है हमारा कॉर्डेटा, है ना। क्या सभी को नॉन कॉर्डेट्स के सारे फाइलम याद हैं? याद हैं? सही ऑर्डर में बताओगे तो भाई नॉन कॉर्डेट्स में आप टोटल 10 फाइलम्स पढ़ते हो, है ना। आपको आइडियली ये नाम ऐसे ऐसे याद होने चाहिए कि कोई पूछे और फटाफट से बता दो। एक ऑर्डर में क्या होता है? ऑर्डर सबसे पहला जो है वो है पोरीफेरा, उसके बाद है निडेरिया, उसके बाद है टीनोफोरा, उसके बाद है प्लैटी हेलमिंथ, उसके बाद है एस्केलमिंथ, इसके बाद है एनेलिडा, फिर है आर्थ्रोपोडा, फिर है मोलस्का, फिर है इकाइनोडर्मेटा, और फिर आता है हेमीकॉर्डेटा, है ना। आपको ऐसे याद होना चाहिए, ऐसे एक के बाद एक नाम बता दो, है ना। ये आपका एक्चुअली ऑर्डर है 10 फाइलम्स का जो कि नॉन कॉर्डेट के पार्ट है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक्चुअली सबसे प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आया था एनिमल्स की कैटेगरी में वो पोरीफेरा था। तो और सबसे ज्यादा एडवांस्ड नॉन कॉर्डेट कौन सा है? हेमी कॉर्डेटा है, जिसमें कि कॉर्डेट्स के कुछ कुछ फीचर्स आ गए, है ना। तो जब पोरीफेरा से आप हेमी कॉर्डेटा की तरफ बढ़ते हो तो ये एक्चुअली एवोल्यूशन का पॉइंट है। ये इसी तरीके से इवॉल्व हुए हैं। इवन अगर आप कॉर्डेट्स में आ जाओ तो कॉर्डेट्स अगेन डिवाइडेड होते हैं, है ना। ये कॉर्डेटा एक फाइलम है जो कि क्लासेस में, सब फाइलम्स में डिवाइडेड है। क्या है? यूरो कॉर्डेटा है एक, फिर आप पढ़ते हैं सिफेलो कॉर्डेटा, और फिर आप पढ़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम वाले एनिमल्स यानी कि वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा के अंदर आप बहुत सारे क्लासेस भी पढ़ते हैं, है ना। तो अगेन अगर आपको देखा जाए तो एवोल्यूशन फिर हेमीकॉर्डेटा के बाद इस ऑर्डर में आया। यानी कि मोस्ट इवॉल्व्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं? वर्टिब्रेटा को बिलोंग कर रहे हैं। अब वर्टिब्रेटा में भी अगर क्लासेस देखोगे तो सबसे लास्ट क्लास है मेमेलिया, यानी कि मोस्ट एडवांस्ड है ना एनिमल अब किस क्लास को बिलोंग करते हैं? मेमेलिया क्लास को बिलोंग करते हैं। यानी कि जिस तरीके से आप चाहे ओवरऑल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लें या फिर आप एनिमल किंगडम में अलग अलग फाइलम्स पढ़ लें, जिस ऑर्डर में आप याद करते हो इनको उसी ऑर्डर में एवोल्यूशन हुआ है ना। इस बात को हमेशा याद रखना। अब सबसे पहले हम जो है पढ़ लेते हैं कुछ जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है वो बताने के लिए
जरा मैं आपको एक पिक्चर पहले दिखा देती हूँ, है ना, और फिर हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक, अब ये पिक्चर देख लो उसके लिए एक बार। बहुत ही सिंपल सी फोटो दिखा रही हूँ, है ना। इसको आगे हम पूरा तोड़ तोड़ कर, है ना, डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लांट्स दिख रहे हैं। अगर मैं इस एंड पर आ जाऊं ऊपर वाले, तो बहुत सारे प्लांट्स दिख रहे हैं। अगर मैं इसके नीचे दिखाऊं आपको, है ना, तो यहाँ पर, यहाँ से प्लांट्स का एवोल्यूशन शुरू हो रहा है और अलग अलग जगह पर ये अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, अगर आप इस साइड में देख रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स मिल रहे हैं, जैसे कि पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, है ना। यही आपका दुनिया का टाइम स्केल है। ठीक है, कि किस टाइम पर सबसे पहले प्लांट्स आए, किस टाइम पर कोई भी दूसरा एनिमल आया, है ना, इसको हम बताते हैं किससे, इसको हम बताते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। ठीक है, अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपकी एनसीईआरटी में दिया है, जरा चेक करो तो, अलग से समझाया है नहीं समझाया है, चेक करके बताओ तो। साधना, कहाँ समझाया है, कहाँ जियोलॉजिकल टाइम स्केल अलग से दिया हुआ है, बताओ, किस पेज में दिया है। मैं ये डायग्राम में जो लिखा है उसकी बात नहीं कर रही हूं, है ना। क्या अलग से जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताया है एनसीईआरटी में कहीं पर? हाँ, नहीं दिया है। वो डायग्राम में इस तरफ लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या है वो नहीं दिया है ना। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि कहाँ से आपको याद करना है टाइम स्केल, है ना, तो आपको टाइम स्केल याद करना है प्रोटेरोजोइक से, है ना, किससे, अब पुराने से नए की तरफ आ रहे हैं, है ना। तो पहला जो आपको याद रखना है वो है प्रोटेरोजोइक एरा। ठीक, अब इसमें कोई बाइफरकेशन आपको नहीं याद रखना है। इसके बाद जो एरा आया, जो टाइम आया, उसको हमने बोला पेलियोजोइक एरा। ठीक, इसके बाद जो आया, थोड़ा ज्यादा गैप छोड़ रही हो, तुम भी थोड़ा ज्यादा छोड़ना, क्योंकि आपको आगे के स्केल्स और जाननी होंगी, है ना, मीसोजोइक एरा। और अभी जिस एरा में आप चल रहे हैं, ये है सीनोजोइक एरा, है ना। तो ये करंट वाला है, ये आप यहाँ पर लिख भी सकते हो। ठीक है, आपका जो एरा है, जो करंट वाला एरा है, वो सीनोजोइक एरा है। ठीक, तो मैं फिर से बोल रही हूँ, प्रोटेरोजोइक बहुत सबसे पुराना हो गया, पेलियोजोइक आया उसके बाद, उसके बाद आया मीजोजोइक, और अभी जो चल रहा है वो सीनोजोइक एरा चल रहा है। ठीक, अब आपको कुछ इसके अंदर के कैटेगरीज याद रखने हैं। जैसे सबसे ज्यादा बाइफरकेशंस पेलियोजोइक के अंदर ही है। पेलियोजोइक में जो पहला आपको याद रखना है वो है केम्ब्रियम, क्योंकि ये वर्ड्स आपको दिखेंगे एनसीईआरटी में जब आप रेप्टाइल या फिर प्लांट का एवोल्यूशन देखेंगे तो, है ना। दूसरा ऑर्डोवेशियन, तीसरा साइलूरियन, चौथा डेवोनियन, पांचवा कार्बोनिफेरस। और छठा परवियन, है ना। तो ये लिख लो, और अगर कहीं पर कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा है तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ये छह के छह लिख लो, केम्ब्रियम, ऑर्डोवेशियन, साइलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परवियन। ये पूरा जो आपका पेलियोजोइक एरा है वो छह टाइम स्केल में डिवाइडेड है। लिख लिया सबने तो चैट में लिखो। और भाई मैं फिर से बोल रही हूं, हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ चल रहे हैं, है ना। अब आओ मीसोजोइक में।
अब मीजोजोइक से आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, है ना? तो मीजोजोइक तीन अलग अलग टाइम स्केल में डिवाइडेड है। एक आपका है ट्राइएसिक। अब ट्राइएसिक आपको याद रहता है ना? कैसे? क्योंकि क्या आया था इसी टाइम पर? डायनासोर्स आए थे इसी टाइम पर। तो ट्राइएसिक और जुरासिक ये सभी को याद रहते हैं, है ना? उसके बाद क्या आया? क्रेटेशियस। ठीक, तो यानी कि मीजोजोइक एरा के टाइम पर कौन डोमिनेट कर रहा था? मीजोजोइक एरा के टाइम पर एक्चुअली रेप्टाइल्स डोमिनेट कर रहे थे, है ना? उस टाइम पर आपके डायनासोर जो है पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे। फिर क्रिटेशियस में आते आते अब वो खत्म हो गए, है ना? अब आया सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा बस दो ही पार्ट में आपको डिवाइड करके याद रखना है, एक हम बोलते हैं टर्शियरी और दूसरा हम बोलते हैं क्वाटरनरी। और अभी जो चल रहा है वो क्वाटरनरी है। ठीक, तो सोनिया आपको मैं कोई निमोनिक बता दूं तो याद होगा? नहीं। आप बार बार जब इसको पढ़ोगे ना, बार 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 रिवाइज करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद हो गया पढ़ाते पढ़ाते, है ना? याद रखो पहले तो PPMC है ना, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, ये चार है। अब प्रोटेरोजोइक में कुछ है ही नहीं तो आगे कुछ याद नहीं रखना है। मेन पेलियोजोइक को आपको याद रखना है, केम्ब्रियम, ऑर्डोवेशन, साइलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परवियन, दैट्स इट, है ना? इसके बाद का अपने आप याद रहता है। ट्रायसिक, जुरासिक अपने आप याद रहता है। क्रिटेशियस एक एक्स्ट्रा घुसा दो, क्रेटा याद रख लो, है ना? कि क्रेटा कब है? मीजोजोइक में है। ठीक, और उसके बाद आपका आ जाता है दो जो है टर्शरी, क्वाटरनरी। ये याद रखना मुश्किल है ही नहीं क्योंकि ये करंट एरा चल रहा है, जो इसमें अभी आप है क्वाटरनरी है वो। सबने लिख लिया ये? क्या सबने जियोलॉजिकल टाइम स्केल लिखा? बोलो। अरमान, क्लास चल रही है ना? तो अभी आप बिल्कुल भी खुद को डाइवर्ट नहीं करो, क्लास पे फोकस करो। किस बात का टेंशन है भाई, एग्जाम में इतना टाइम है। हाँ, सब कुछ पढ़ रहे हो डेली बैठ के, फिर किस बात का टेंशन है? टेंशन तब होता है जब आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो, जो कि अभी नहीं कर रहे हो। याद हो क्या? तो सबसे पहले हम प्लांट एवोल्यूशन ही पढ़ेंगे, है ना? अब प्लांट एवोल्यूशन में मैं आपको तीन चार चीजें बता दूंगी जो आपको याद रखनी है, अगर आप पूरा नहीं भी याद रख पा रहे हो तो, है ना? जैसे कि एनसीईआरटी ओपन करके एक बार मुझे बताओगे कि प्लांट्स के केस में, है ना, क्या लिखा है? फर्स्ट टाइम प्लांट जो है वो किस कितने टाइम के पहले डिस्कवर किया गया था? खोलो एनसीईआरटी, चेक करो और मुझे बताओ। ये टाइमलाइन अभी रेप्टाइल के केस में बड़ी हो जाएगी, लेकिन प्लांट के केस में बहुत ही सिंपल है। तो बोलो कितने मिलियन ईयर अगो लिखा है? हम्म, 2000 मिलियन ईयर अगो लिखा है। सबको दिख रहा है? हाँ, वेरी गुड, है ना? तो अब बस ये याद रखना, है ना, ये नंबर याद रखना। ठीक है, अब मिलियन के उसी में बात कर रहे हैं, है ना? तो मिलियन ईयर अगो नहीं याद रखोगे, 2000 याद रखोगे तो याद रहेगा। अगर मैं प्लांट्स को डिवाइड कर दूं, है ना, तो प्लांट्स को भी हम पांच फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो प्लांट का एवोल्यूशन भी इसी ऑर्डर में हुआ है। सबसे पहले जो आए, है ना, यानी ओल्डेस्ट प्लांट्स जो इस तरफ हैं, और सबसे बाद में जो आए लेकिन सबसे ज्यादा एडवांस टाइप के प्लांट्स, है ना, वो कौन से हैं? वो एंजियोस्पर्म्स हैं। तो पहली बात सिंपल सी जो याद रखनी है कि प्लांट किंगडम में जो आप ऑर्डर में फाइलम्स पढ़ते हैं या डिविजन्स पढ़ते हैं, उसी ऑर्डर में प्लांट्स का एवोल्यूशन हुआ है। अब अगर मैं आपको ये प्लांट एवोल्यूशन का चार्ट जो एनसीईआरटी में दिया है ध्यान से देखोगे और मैं आपको समझाऊं, तो बहुत सिंपल सी चीज देखनी है आपको। क्या, कहां पर ये शुरू हो रहा है? पेलियोजोइक एरा में। इसमें किस वाले पर शुरू हो रहा है? साइलूरियन से आपको यहां दिख रहा है, और बोल रहे हैं कि भाई उससे पहले पहले, है ना, जो कि अब ट्रैक नहीं किया हुआ है तो इतना आपको नहीं याद रखना है ना, कुछ यहाँ पर नाम दिए हैं जो आपको याद रखना है। ठीक, अब बहुत छोटी छोटी चीज बताऊंगी जो याद रखना है।
पहला नाम जहां से प्लांट का एवोल्यूशन शुरू किया है एनसीईआरटी में, वो है क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स। क्या सबको ये डायग्राम मिल गया है और सबने ये पढ़ा, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स? हाँ बोलो भाई, क्लोरोफाइट का क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? क्लोरोफिल कंटेनिंग, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है। ठीक, एक ये ध्यान दो। अब क्लोरोफिल कंटेनिंग सबसे पुराने एंसेस्टर्स क्या है? मैंने बोला एल्गी है। ठीक, क्या एल्गी है? तो इसका मतलब कि जो क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स लिखा है वो और कुछ नहीं बल्कि आपके सबसे एंशियंट ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो सबसे पुराना, अभी हमने बोला डिवीजन कौन सा, एल्गी। अब आओ उसके ऊपर, है ना, तो उसके ऊपर लिखा है ट्रेकियोफाइट। ट्रेकियोफाइट मतलब वैस्कुलर बंडल कंटेन करने वाले एंसेस्टर्स। सबने प्लांट किंगडम पढ़ा हुआ है, तो मुझे बताओगे कि वैस्कुलर बंडल आपको किस डिवीजन से या फाइलम से मिलना शुरू होता है? क्या एल्गी में मिलता है, क्या ब्रायोफाइट से मिलता है, क्या टेरिडोफाइट से मिलना शुरू होता है, क्या जिम्नोस्पर्म से मिलना शुरू होता है, या एंजियोस्पर्म से मिलना शुरू होता है? क्या पढ़ा आपने प्लांट किंगडम में? आप रिलेट करके याद रख सकते हो ये पूरा प्लांट एवोल्यूशन। बोलो तो, ट्रैकियोफाइट का क्या मतलब है? सोनिया सोच कर बोलोगे, जिम्नोस्पर्म अगर बोल रहे हो तो। वेरी गुड अरमान, और अरमान अभी डर रहा है, बताओ, है ना? तो याद तो है यार, टेरिडोफाइट्स। ट्रेकियोफाइट का मतलब ट्रैकीड किसके पास था? पहली बार ट्रैकीड टेरिडोफाइट्स में मिलना शुरू हुआ, यानी कि यहाँ पर एल्गी के बाद जो कैटेगरी है, जो ग्रुप लिखा है, वो ट्रैकियोफाइटा का है, जिसको हम टेरिडोफाइट्स बोलते हैं अभी। ठीक है, अब बोलो कि एल्गी के बाद तो ब्रायोफाइट्स आना चाहिए नहीं? तो ध्यान से आप देखोगे जरा, ट्रैकियोफाइट और क्लोरोफाइट के बीच में ये एक लाइन जा रही है ना? इस लाइन को अगर ऊपर की तरफ ट्रैक करोगे तो ऊपर क्या आ रहा है? ब्रायोफाइट्स। क्या सबको यहां दिख रहा है? बोलो, क्या सबने ध्यान दिया ये? हाँ, कि आपका एल्गी और टेरिडोफाइट्स के बीच से जो ब्रांच निकाली है, क्योंकि ये इस टाइम पर ब्रायोफाइट नहीं आया था, इस एरा में नहीं आया था। ब्रायोफाइट्स का फॉर्मेशन बहुत बाद में हुआ है, कब? जो एरा भी चल रहा है सीनोजोइक में, टर्शरी के टाइम पर, है ना, तब आया। लेकिन ये इवॉल्व हुआ है एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच से, क्योंकि ऑर्गेनिज्म से, है ना? तो एल्गी, एल्गी के बाद एक ब्रांच निकाला है जो ले गया है टर्शरी की तरफ, जो कि है ब्रायोफाइट्स का ग्रुप, है ना, और उसके बाद ऊपर आ गया टेरिडोफाइट। क्या ये तीन चीजें सबको समझ आई? बोलो। हाँ, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि भाई एंशियंट ग्रीन एल्गी का एवोल्यूशन के टाइम पर ग्रुप कौन सा है, तो आपको क्या बोलना है? क्लोरोफाइट एंसेस्ट्रल ग्रुप है। टेरिडोफाइट का सबसे पुराना, है ना, जो है ग्रुप कौन सा है, तो वो है ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर्स। ब्रायोफाइट्स कब आए हैं? अब आपको याद रखना है बस कि ये लाइन कहाँ जाके निकल रही है, टर्शरीज, है ना, किसमें? सीनोजोइक में, तो बस वो याद रखो, है ना। अब इसके ऊपर आओ, तो दो नाम दिया है, एक है राइनिया टाइप प्लांट्स, है ना, एक है ये राइनिया टाइप प्लांट्स, और दूसरा है साइलोफाइटॉन। ठीक है, आपने साइलोप्सिडा एक ग्रुप पढ़ा है, किस फाइलम में पढ़ा है या किस डिवीजन में पढ़ा है, बताओ तो, साइलोप्सिडा। किस में पढ़ा है? अब उसी नाम से रिलेटेड है ये। बोलो, टेरिडोफाइट सही है। हाँ, तो देखो क्या है, अब ये टेरिडोफाइट्स के एंसेस्टर है ना, यहाँ लिखा है ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स, यानी कि इनके वजह से ही आगे टेरिडोफाइट्स का फॉर्मेशन हुआ, है ना। टेरिडोफाइट्स में अब सबसे पुराना जो टेरिडोफाइट है वो राइनिया टाइप प्लांट बोला जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट एंसेस्ट्रल टेरिडोफाइट कौन सा है,
मोस्ट एंसेस्ट्रल टेरिडोफाइट कौन सा है? तो याद रखना राइनिया टाइप प्लांट्स है। फिर ये थोड़ा और इवॉल्व हुए, अभी भी जो आप साइलोफाइटॉन पढ़ रहे हो वो टेरिडोफाइट ग्रुप का ही है ना। तो अब यहां से टेरिडोफाइट्स जैसे प्लांट आए, उन्होंने आगे टेरिडोफाइट्स का फॉर्मेशन शुरू कर दिया, और फिर एक नाम लिखा है साइलोफाइटॉन। तो भाई साइलोफाइटॉन ऐसा प्लांट का ग्रुप माना गया जिससे आगे जाके बहुत तगड़ा एवोल्यूशन हुआ प्लांट में। क्यों? अगर ध्यान से देखोगे है ना, तो जितने भी अभी आपको प्लांट्स मिलते हैं, फिर वो स्फेनोप्सिड्स हैं, जिंकोज हैं, फर्न्स हैं, कोनिफर्स हैं, साइकैट्स हैं, नीटेल्स हैं, मोनोकॉट्स हैं, डाइकॉट्स हैं, है ना, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? ये देख रहे हो सारी लाइंस इधर से आ रही है ना, इससे ही आ रही है, इसके नीचे नहीं जा रही। ये वाली भी, 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 और ये वाली भी, जिससे कि आपके सीडेड प्लांट्स आए, है ना, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स आए। इसका क्या मतलब है कि एक प्लांट पेरेंट जिससे बहुत तगड़ा एवोल्यूशन हुआ, जिससे आगे इवॉल्व करके बहुत सारे अलग अलग ग्रुप ऑफ प्लांट्स बने, वो कौन सा है? एंसेस्ट्रल प्लांट पेरेंट साइलोफाइटॉन है। तो साइलोफाइटॉन को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पेरेंट ऑफ प्लांट मानते हैं। क्या मानते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरेंट ऑफ प्लांट्स। भाई इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या इतनी बात सबको समझ आई? क्या ये जो पूरा मैप दिया है उसका नीचे वाला पार्ट सबको समझ आया कि कैसे एल्गी फिर टेरिडोफाइट्स बनाने वाले प्लांट्स, उसके बीच से निकल गया है ब्रायोफाइट, किधर? टर्शरी एरा में, है ना। फिर उसके बाद मोस्ट एंसेस्ट्रल टेरिडोफाइट कौन सा? राइनिया। और उसके बाद एक टेरिडोफाइट आया जिसका नाम है साइलोफाइटॉन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इससे सारे आगे जाकर अलग अलग प्लांट्स के ग्रुप बन गए। अब ये एक नीचे वाली चीज आपको याद रखनी है। दूसरा देखो, आपको ज्यादातर प्लांट्स है ना किस एरा में दिख रहे हैं? आपको ज्यादातर प्लांट्स दिख रहे हैं उसी एरा में जबकि आपके रेप्टाइल्स डोमिनेट कर रहे थे, है ना। तो याद रखना कि जिस टाइम पर डायनासोर थे उसी टाइम पर प्लांट्स का भी एवोल्यूशन हुआ है। आप यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो एक स्फेनोप्सिड है ना आपको यहीं पर दिख रहा है, दूसरा फर्न यहीं पर दिख रहा है। भाई स्फेनोप्सिड और फर्न ये क्या है? ये टेरिडोफाइट है। हाँ, ये आज के टाइम में भी टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं, ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसके आगे देखो, जिंकोस, कोनिफर्स, साइकेट्स, नीटेल्स, ये क्या है? ये जिम्नोस्पर्म्स हैं, है ना। तो जिम्नोस्पर्म्स का भी फॉर्मेशन कब हुआ है? डायनासोर वाले एरा में ही हुआ है ना, आधा जुरासिक, आधा उसके बाद क्रिटेशियस, ठीक है। उसके बाद आओ, उसके बाद ये एंजियोस्पर्म्स सबसे बाद में आए। एंजियोस्पर्म्स में भी मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, हमेशा गलतफहमी ये होती है कि डाइकॉट्स बाद में आए हैं, लेकिन यहां पर ध्यान से देखोगे तो डाइकॉट्स पहले आए हैं क्रिटेशियस में ही, और मोनोकॉट्स बाद में आए हैं जो कि टर्शरी एरा में आए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंफ्यूज करता है तो ये याद रखना है। तो ज्यादातर करंट प्लांट जो आपको दिखते हैं वो कब आए? डायनासोर के साथ आए, एक तो ये याद रखना है ना। तो आपको बस मीजोजोइक याद रहेगा, जुरासिक क्रिटेशियस याद रहेगा। और एंजियोस्पर्म्स में डाइकॉट मोनोकॉट में से पहले कौन इवॉल्व किया, पहले कौन आया? डाइकॉट्स आए। क्या ये बात सबको याद रहेगी? याद रहेगी सबको ये बात? क्या आपने खुद की एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं या फिर नोटबुक में लिख लिए हैं? यस। तो बहुत सिंपल है प्लांट क्लास का क्लासिफिकेशन जो आपको याद रखना है, अब बहुत सिंपल हो गया। किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो अभी बताओ। क्या अभी भी किसी को प्लांट का एवोल्यूशन है ना डिफिकल्ट लग रहा है? तो बोलो। तो रेप्टाइल्स का, एनिमल्स का एवोल्यूशन पढ़ेंगे जरा, ठीक है। अब रेप्टाइल्स का एवोल्यूशन पढ़ें उसके पहले एनसीईआरटी में है ना थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। प्रीति
समझ में तब नहीं आएगा ना जब आप रिलेट नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आपको शुरुआत की कुछ क्लासेस ना समझ आई हो, है ना, उसी वजह से आपको आगे नहीं समझ आ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, पुराने जितने आपने लेक्चर्स हुए हैं एवोल्यूशन के, वो एक बार फिर से देखो। ठीक रिया, मैंने बोला डाइकॉट्स में, है ना। अब जो है एंजियोस्पर्म्स में डाइकॉट पहले आया है, मोनोकॉट बाद में आया है। डाइकॉट क्रिटेशियस मीजोजोइक एरा में ही आ गया है, मोनोकॉट टर्शरी में आया है, सीनोजोइक एरा में आया है। इसमें कंफ्यूजन होता है तो ये याद रखना, हम पहले मोनोकॉट पढ़ते हैं फिर डाइकॉट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका इवोल्यूशन का वो उल्टा हो गया, पहले डाइकॉट आया है फिर मोनोकॉट आया है। ठीक, अब आओ रेप्टाइल से बात करते हैं, है ना। तो रेप्टाइल्स में बात करें, उससे पहले क्या मुझे सारे बच्चे ये बता सकते हैं कि फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल कब आया था, क्या आपको ये याद है। कितने बिलियन ईयर अगो या कितने मिलियन ईयर अगो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। यार पाल ऐसे मत करो, 500 क्या मतलब है। हाँ 500 का क्या मतलब है भाई, 3 बिलियन 2 बिलियन। मैंने पूछा फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, भाई जो 3 बिलियन बोल रहे हो, आओ जरा याद करा दूं। तो फर्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, आपने जो लिखा होगा मेरे साथ, है ना। पहला लिविंग सेल क्या लिखा है यहाँ पर, क्यों गलती कर रहे हो। 3 बिलियन ईयर अगो पहले तो बाबू मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने थे, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, इनका फॉर्मेशन हुआ था, फिर सब साथ में जुड़े, तब तो बना ना प्रोकैरियोटिक सेल। उसमें 1 बिलियन ईयर लग गया, तो 2 बिलियन ईयर अगो प्रोकैरियोटिक सेल दुनिया में आया। अब इसको भूलोगे नहीं, दोबारा से याद रखना है ना। तो ये हुआ है 2 बिलियन ईयर अगो। अब यहां से अगर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दें और मैं बोलूं कि क्या आपको ये पता है कि पहला इनवर्टिब्रेट कब आया, फर्स्ट इनवर्टिब्रेट। भाई इनवर्टिब्रेट क्या है, पोरीफेरा से लेकर, है ना, पोरीफेरा से लेकर सिफेलोकॉर्डेटा तक, यानी वर्टिब्रेटा को छोड़कर, है ना, ये जो पूरा ग्रुप है इसको हम इनवर्टिब्रेट का ग्रुप मानते हैं। ठीक है, तो सिर्फ वर्टिब्रेट जो आपका ग्रुप है उसको छोड़कर बाकी जितने भी एनिमल किंगडम में आपने स्पीशीज पढ़े हैं वो सारे इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। ठीक, अब यहां से आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। पहला जो इनवर्टिब्रेट आया वो 500 मिलियन ईयर्स अगो आया, ये आपकी एनसीईआरटी में ही लिखा है, तो ये याद रखना है। पाल फिर से गड़बड़ी कर रहे हो, है ना, 350 लिखकर। ठीक है, पहला इनवर्टिब्रेट आने के बाद हमें एक फिश जैसा भी वो मिला। अब फिश क्या है, वर्टिब्रेट आ गया ना, है ना, फिश तो वर्टिब्रेट की कैटेगरी में आता है, पाइसेस में आता है। ये फिश जॉलेस फिश बोली जाती है। ठीक, ये कब, भाई साइक्लोस्टोमेटा की बात हो रही है बेसिकली, 350 मिलियन ईयर्स अगो। तो अब वर्टिब्रेट्स में धीरे धीरे आप बढ़ गए, और वर्टिब्रेट से पहला ग्रुप जो हम पढ़ते हैं वो साइक्लोस्टोमेटा का ही होता है, कि विदाउट जॉ और विथ जॉ। विदाउट जॉ में साइक्लोस्टोमेटा पढ़ते हो जिसको जॉलेस फिश बोलते हैं, फिर विथ जॉ में आप फर्दर डिवाइड करते हो कि लिम्स है या नहीं है। लिम्स नहीं है तो फिश का ग्रुप है ना, पूरा कॉन्ड्रिक्टिस ऑस्टिक्टिस। लिम्स हैं तो फिर अलग से ग्रुप्स हैं, जहां पर आप फिर एम्फीबिया पढ़ते हो और इतनी सारी चीजें पढ़ते हो, है ना, तो डिविजन हमेशा याद रखना। ठीक, अब जॉलस फिश के बारे में हमें कैसे पता लगा, तो आपको, है ना, एनसीईआरटी बोल रही है कि हमें जॉलस फिश मिल गई, है ना, एक 1938 में। ठीक है, क्या लिखा है, 1938 में एक मछुआरा था जो कि मछली पकड़ रहा था, है ना, ये साउथ अफ्रीका की बात है, कहाँ की, साउथ अफ्रीका की। ठीक, तो उसको एक मछली मिली, ही कॉट अ लोब फिश बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये मछली उसको देखने में थोड़ी अलग लगी, है ना, ये कैसी थी मछली, एक तो बोनी फिश है,
ठीक। और उसके जो पीछे वाले फिन्स हैं वो बड़े तगड़े हैं, स्टाउट फिन्स बोलते हैं, है ना, इतने तगड़े कि फिश उस पे उठ सकती है ना, लिम्स जैसे बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स वाले। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये बेसिकली उस फिश को, उसको लगा कुछ अलग है, तो वो पास में जो भी लैब होगी साइंटिस्ट की वहां ले गया। उसने बोला कि भाई आप ये देखिए, मुझे अलग तरीके की फिश मिली है। एक्चुअली वो फिश कौन सी थी, वो फिश और कुछ नहीं, जो आपने मिसिंग लिंक पढ़ा है ना, सीलोकैंथ, वही फिश थी। बाद में उन साइंटिस्ट्स ने जाकर चेक करा तो वहां पर एक नहीं बल्कि तीन कॉलोनीज मिल गई, तीन अलग अलग कॉलोनीज मिल गई सीलोकैंथ की, जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। तो एक्चुअली सीलोकैंथ मिसिंग लिंक नहीं है, वो क्या है, वो कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट नहीं हुई है। और अनिल हम ये फॉसिल की बात नहीं कर रहे, हम ये जिंदा मछली की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें अब एक एग्जाम्पल मिल गया फिश का, 1938 में हमने ये ढूंढा, सीलोकैंथ की कॉलोनीज हमें अभी भी मिल गई, ठीक, जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फिश एंड एम्फीबियन। ठीक, अब इसी के बाद इसका मतलब आगे बढ़ेंगे अगर, तो ऐसी फिश से पहले एम्फीबियन आए। अब ये कब आए ये आपको नहीं याद रखना है, तो आपको क्या याद रखना है, 2 बिलियन, फिर 2 बिलियन से इनवर्टिब्रेट आए 500 मिलियन, उससे जॉलस फिश हमें मिली 350 मिलियन। तो 2 बिलियन, 500 मिलियन, 350 मिलियन, ये याद रखना है। अब इसके बाद एम्फीबियन का टाइमलाइन आपको नहीं बताया है, बस ये बोला कि भाई एम्फीबियन आए, और एम्फीबियन के बाद पहली बार रेप्टाइल्स आए। अब रेप्टाइल्स का एवोल्यूशन आपको पढ़ना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। रेप्टाइल्स कब आए, रेप्टाइल्स जो है आए 265 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि लास्ट आपने बोला जॉलेस फिश 350, इसके बाद बीच में कोई कहीं पर एम्फीबियन आए, और फर्स्ट रेप्टाइल 265 मिलियन ईयर अगो, है ना, ये बताया गया। फिर आपको इसके बाद जो नेक्स्ट टाइमलाइन बताया है वो बताया है डायनासोर कब डिसअपियर किए, ठीक है, डिसअपियर्ड, कब गायब हो गए अचानक से दुनिया में, कब गायब हुए, 65 मिलियन ईयर अगो। ठीक, यानी कि 265 मिलियन ईयर से 65 मिलियन ईयर वाला जो टाइम था, ऑलमोस्ट 200 मिलियन ईयर, वो ऐसा था जिस टाइम पर बहुत तेजी से रेप्टाइल्स का एवोल्यूशन हुआ, और इसी टाइम पर रेप्टाइल्स ने दुनिया को डोमिनेट भी किया। ठीक है, अब इसमें दो चीजें आपको बता रहा है, बोल रहा है कि भाई कुछ रेप्टाइल्स ऐसे थे जो पानी में चले गए, सम रेप्टाइल्स वेंट टू वॉटर, और वो आगे और ज्यादा मॉडिफाई हुए, तो अलग अलग उन्होंने वॉटर बॉर्न जो है एनिमल्स बनाए, जैसे कि इक्थियोसरस, जो कि एक वॉटर बॉर्न रेप्टाइल माना जाता है। दूसरी तरफ डायनासोर में एक एग्जाम्पल लिखा है टी रेक्स का, टिरानोसॉरस रेक्स का, जो कि बोल रहा है लार्जेस्ट डायनासोर है, कितना बड़ा, 20 फीट का, नाम पूरा क्या है, टेरेक्स सॉरस रेक्स। अब ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया है। ठीक, तो ऐसे बड़े बड़े रेप्टाइल आए। अब ये तो एक टाइमलाइन है जो आपको याद रखना है, फिर से रिपीट करूंगी इस पूरी टाइमलाइन को। पहला प्रोकैरियोटिक सेल हमने बोला 2 बिलियन पहले, है ना, फिर उसके बाद पहला इनवर्टिब्रेट 500 मिलियन, फिर उसके बाद जॉलेस फिश 350, फिर हमें एक्चुअल फिश मिल गई सीलोकैंथ, जो कि हम कहते हैं फिर से एम्फीबियन का वो है 1938 में, अब ये बात याद रखनी है। फिर फर्स्ट एम्फीबियन कब आया नहीं जानना है, फर्स्ट रेप्टाइल कब आया 265, ये याद रखना है। तो 2 बिलियन, 500 मिलियन, 350 मिलियन, 265 मिलियन, फिर डायनासोर गायब कब हो गए, 65 मिलियन, यानी कि 200 मिलियन ईयर्स तक रेप्टाइल्स में बहुत तगड़ा एवोल्यूशन हुआ। अब इसी के बाद हम बात कर लेते हैं उस चार्ट की जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है रेप्टाइल्स के लिए। सारे एक बार अपनी एनसीईआरटी खोलोगे और वो चार्ट ओपन कर लोगे, ये वाला, और एक बच्चा जरा फटाफट से लिख देगा कौन से पेज नंबर पर ये दिया है।
ये लिख लिया है सबने तो एक बार चैट में बता दो, तो नहीं लिखा है तो भी लिख लो, मैं 30 सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ। 139 पेज नंबर पर बोल रहे भाई बच्चे, तो सारे 139 पेज नंबर ओपन कर लेना। डन। चलिए अब जरा बात करते हैं इस चार्ट की। अब इस चार्ट में क्या लिखा है, एक तो ये देखो, यहां पर अब बात हो रही है कार्बोनी फेरस के टाइम पर, है ना। तो कार्बोनी फेरस यानी 350 मिलियन ईयर्स अगो, यहाँ टाइम स्केल भी लिख रहा है ना, सबसे पुराने रेप्टाइल्स बनने शुरू हुए, इवॉल्व होने शुरू हुए। अर्ली रेप्टाइल्स दिख रहे हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो कि अब दुनिया में नहीं है। ये रेप्टाइल्स से दो ग्रुप बने रेप्टाइल्स के, एक बोलते हैं सॉरोप्सिड, दूसरा बोलते हैं सिनेप्सिड। ये पहली चीज है जो आपको याद रखनी है ना, सौरव पहले और साइना बाद में, है ना। तो पहले कौन आया, सौरभ, बाद में कौन आई, साइना, ये याद रखना ठीक। तो सौरोप्सिड पहले और जो है साइनाप्सिड, है ना, ये आए। अब ध्यान से देखोगे पहले सौरोप्सिड, ठीक। तो सौरोप्सिड आगे जाकर बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, यहां से पहला यहां दिख रहा है, उसके बाद यहां, अब इस ब्रांच से ही अलग अलग डिविजन दिख जा रहे हैं, है ना। फिर ये आगे गया तो ये फर्दर ब्रांच बनाया, और साइनाप्सिड से आपको एक सिंगल ब्रांच दिख रही है ऊपर जाते हुए, क्या सभी को दिख रही है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, हाँ सभी को दिख रहा है ये। तो जो सौरभ है आगे उसके बहुत सारे जो है मॉडिफिकेशन से जानवर बने, कौन कौन से, उसी से टर्टल बना, उसी से लिजर्ड बनी, उसी से स्नेक्स बने, उसी से टुआटास बने, है ना, ये यहाँ दिख रहा है। फिर देखो जरा इससे ही यहाँ पर परमियन के टाइम पर, है ना, थेकोडोंट बने। थेकोडोंट का मतलब सबको पता है, टीथ जो कि जॉ में इम्बेडेड है ना। इसके बाद आया आपका डायनासोर वाला एरा, तो ट्रायसिक जुरासिक, इसी से डायरेक्ट बना है क्रोकोडाइल। तो देखो ये क्रोकोडाइल जैसे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, और क्रोकोडाइल डायरेक्ट बना है। इसी से डिवाइड होकर दुनिया पे राज करने वाले डायनासोर बने, लेकिन ये डायनासोर मर गए। तो ये डायनासोर ट्रायसिक जुरासिक क्रिटेशियस के टाइम तक थे, टर्शरी एरा में आते आते अचानक से मीटियोराइट गिरे दुनिया पर, है ना, अर्थ पर, और डायनासोर एक साथ एक्सटिंक्ट हो गए। तो यहाँ टर्शरी में आकर डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, ये दिखा रहा है ठीक। इसी से यहाँ पर, है ना, इसी से एक और डिवाइड कर रहा है, तो बोल रहा है बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है ना। तो देखो क्या है, टर्टल से लेकर बर्ड तक किससे बने हैं, सौरभ से बने हैं, क्या ये याद रखोगे, याद रखोगे या नहीं। तो चाहे अब कुछ भी बोल लो, है ना, चाहे आप थेरैपसिड बोल लीजिए, डायनासोर बोल लीजिए, सब किससे आए हैं, थैकोडोंट बोल लीजिए, है ना, सब किससे आए हैं, सौरभसिड से आए हैं। आओ साइना की बात करते हैं, है ना। तो साइना का एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक। जो साइना थी वो आगे जाकर एक जो है पेलिकोसॉर में पहले इवॉल्व की। अगर आप सारे जानवर देख लें यहाँ पर जो हैं और पेलिकोसॉर देखें, तो उन सारे में और पेलिकोसॉर में एक डिफरेंस है। देखो ये जितने अर्ली रेप्टाइल्स थे ना, ठीक है, ये जितने भी अर्ली रेप्टाइल्स थे ये सारे बहुत ज्यादा हैवी थे, है ना, इनकी बॉडी बहुत बड़ी बड़ी थी, जैसे एलिफेंट होता है ना उस टाइप से ठीक। तो जब एनिमल ज्यादा बड़ा हो जाता है अपनी बॉडी से, तो उसका एक प्रॉब्लम होती है कि वो एक्टिव नहीं रह पाता, वो भाग नहीं पाता, है ना। अब एक और बात याद रखना कि जितना एक्टिव पुराने एनिमल्स होंगे ना, उतना तेजी से और उतना बढ़िया इवोल्यूशन हुआ होगा उनके साथ, ठीक है। तो ये रेप्टाइल्स, ये सारे जो आप देख रहे हैं, वो बड़े भारी भारी थे, है ना, तो वो धीरे 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 करके और इवॉल्व हुए हैं, टर्टल, लिजर्ड, स्नेक, टुआटास, क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स। इसमें जो साइना से एवोल्यूशन हुआ पेलिकोसॉर का, अगर आप इसका बॉडी देखेंगे, तो इसकी बॉडी कंपैरेटिवली टू अदर जो आप रेप्टाइल्स देख रहे हैं पतली है, और इसकी बॉडी पे एक एंटीना जैसा बड़ा सा अटैच्ड है ना, एक छत्ता जैसा अटैच्ड है। ये पता है क्या है, ये ना सनलाइट कैप्चर करता है, ठीक है। तो जैसे हम अभी सनलाइट से बिजली बना लेते हैं तो लगा देते हैं सोलर पैनल, वैसे ये एक नेचुरल सोलर पैनल मान लो।
अब पेलिकोसॉर के पास इससे क्या एडवांटेज आया? एडवांटेज ये आया कि इस पे सनलाइट गिरती थी, है ना, और वो इस सनलाइट से एनर्जी ले लेता था। तो इसकी बॉडी भी हैवी तो थी, ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत पतला दुबला था, है ना, लेकिन इसके पास एनर्जी ज्यादा आती थी क्योंकि इसके पास सनलाइट को ट्रैप करने की पावर थी। अब इसके वजह से ये बाकी रेप्टाइल से ज्यादा एक्टिव था और इसमें बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्विक एवोल्यूशन हुआ, है ना, क्विक एंड लॉट्स ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो बाकी सारे अर्ली रेप्टाइल्स के कंपैरिजन में पेलिकोसॉर बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व करने लग गया, और जो एवोल्यूशन में उसने चीजें चेंज करी वो बहुत ही तगड़ी थी। और इसने एक ग्रुप बनाया जिसको हम बोलते हैं मैमल्स। तो मैमल्स क्यों डोमिनेट कर रहे हैं? क्योंकि हमारा एंसेस्टर ऐसा रेप्टाइल था जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव था एज कंपेयर टू अदर एंसेस्ट्रल रेप्टाइल्स, है ना। अब मैमल्स ने इसी वजह से दुनिया को डोमिनेट कर लिया क्योंकि वो सबसे तगड़े एंसेस्टर से बने हैं। तो अगर आपको ये पूछ ले कि मैमल का एवोल्यूशन किस एंसेस्टर से हुआ है, तो याद रखना है पेलिकोसॉर, है ना भाई सोनिया। तो थेकोडोंट सभी में है ना, सभी में है। ठीक है, एक जगह से थोड़ा बेटर आना शुरू हुआ जहां पर जॉ में इम्बेड हो गया टीथ, तो वहां पर नाम थेकोडोंट दे दिया हमने। मैमल्स तो है ही थेकोडोंट यार, हम तो है ही थेकोडोंट, हम तो पढ़ते ही हमारे डेंटिशन में, है ना। बट जहां से जॉ में एम्बेडेड जो है टीथ शुरू हुआ, है ना, जिस जगह से, वहां पर नाम थेकोडोंट बस दे दिया गया। ठीक है, तो पूरा साइनाप्टिक थेकोडोंट वाली कैटेगरी में फिर आगे बढ़ोगे तो आ जाता है। ठीक, तो पहली चीज पेलिकोसॉर कब आया है, बहुत पुराना एंसेस्टर है कार्बोनिफेरस। देखो कितना टाइम लिया उसका, उसने इवॉल्व होने में, वो धीरे 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 इवॉल्व होते 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 क्वार्टरनरी में आकर, है ना, सीनोजोइक के मैमल अलग अलग तरीके के फॉर्मेशन उसने किए हैं, है ना। तो बाकी सारे एक से सौरभ, कहाँ से, टर्टल से लेकर एव्स तक, बर्ड्स तक, और एक से मैमल बना है। इसीलिए हम अलग हैं, इसीलिए हम ज्यादा तगड़े हैं। किससे? पेलिकोसॉर से। क्यों? क्योंकि पेलिकोसॉर का पावर थी क्या, सनलाइट ट्रैप करके सीधा एनर्जी ले लेने की, है ना, इसलिए वो ज्यादा एक्टिव निकल गया और ज्यादा इवॉल्व किया वो। क्या ये बात सबको समझ आई? तो ये तीन चार चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, पेलिकोसॉर इंपॉर्टेंट है इसीलिए, है ना। तो सौरभ साइना याद रखना और पेलिकोसॉर याद रखना, याद रहेगा इतना, बोलो याद रहेगा इतना सबको। क्लियर? तो आज आप बैठकर अभी क्लास के बाद क्या करेंगे, दो काम करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला आप ये करेंगे कि आप अभी तक हमने जितना एवोल्यूशन पढ़ा, भाई सिर्फ ह्यूमन एवोल्यूशन रह गया है, बाकी पूरा हमने पढ़ लिया, है ना। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, सब ह्यूमन एवोल्यूशन के पहले जितने भी टॉपिक्स पढ़े हमने पूरा खत्म करोगे, इंक्लूडिंग प्लांट और रेप्टाइल का एवोल्यूशन, जिसमें मैंने जो जो चीजें मार्क करवाई हैं वो आप जरूर से याद करेंगे। ठीक, इल्मा केमिस्ट्री की क्लास आज नहीं है बट बहुत जल्दी शुरू होगी, है ना। 2 to 3 weeks में जो केमिस्ट्री फिजिकल इनऑर्गेनिक वाला पार्ट चैताली मैम पढ़ा रही थी वो वापस से कंटिन्यू कर लेंगे। एक बार थोड़ा ऑर्गेनिक पर फोकस कर लो अरमान। बिल्कुल, एनसीईआरटी रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्लास के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, प्रण मैच में हो तो डीपीपी सॉल्व करोगे, नहीं हो तो क्या करोगे फिर, कुछ नहीं तो पीवाईक्यू लगा लेना एवोल्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में, है ना। और नेक्स्ट क्लास के बाद हम पूरा चैप्टर प्रैक्टिस करेंगे। याद रखना 12 नंबर का वेटेज रखता है ये चैप्टर, 3 क्वेश्चंस मान लो इससे। ठीक है, तो इल्मा मेरे नोट से पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन साथ में एनसीईआरटी रीड करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी लैंग्वेज एनसीईआरटी की होती है। पढ़ाते टाइम हम आपको समझाने के लिए अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, है ना, तो आप याद रख पाओ कि आप एनसीईआरटी से ये पढ़ा था, है ना, और वो लैंग्वेज पढ़कर जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको डर ना लगे एग्जाम के टाइम में, तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अरमान मैं एक बार डीपीपी चेक कर लेती हूँ और आपको बताऊंगी। बिल्कुल सोनिया, अगर आप माइंड मैप के साथ रीडिंग कर रहे हो तो आप
10x बेटर कर रहे हो, है ना, 10 टाइम्स बेटर कर रहे हो, और 10 टाइम्स बेटर रिजल्ट भी लेकर आओगे, ये मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। अब मेरे को एक बात लास्ट चीज जाननी थी, कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं एक ऑनलाइन जूम पर बैच चालू कर दूं जो है क्रैश कोर्स का, और कब से शुरू कर दूं बताओ। देखो ऑब्वियसली उस बैच की थोड़ी फीस होगी, क्योंकि वहां पर हम 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस कर रहे होंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ रहे होंगे। हाँ इतना मैं आपको भी बता रही हूँ, नेक्स्ट मंथ से पाल, चलो ठीक है, तो मैं प्लान करती हूँ, है ना, मैं एक 4 to 5 months का बैच प्लान कर लेती हूँ, जिसमें मैं बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को लूंगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स उस बैच में होंगे, है ना, वो नीट का एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे अगर उन्होंने अभी तक मेहनत करी है, तो ये मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो लिमिटेड स्टूडेंट्स बैच, यार यूट्यूब पर तो चल ही रही है, यूट्यूब पर तो चल ही रही है यार, यूट्यूब पर तो चलती रहेगी क्लास, यूट्यूब की क्लास बंद नहीं होगी, बट मैं वो बैच उस बैच में फोकस करूंगी, जितने बच्चे आए वो नीट का एग्जाम क्लियर करें, ठीक है। चल तो टाइम वगैरह सब डिस्कस करेंगे, पहले मेरे को प्लान करने दो, फिर बताऊंगी, ठीक। बटूंगी 4-6 घंटे की क्लास होगी डेली, तो फिर टाइम तो सुबह से शाम तक जाएगा ही, है ना। चलो तो अभी फटाफट से रिवीजन में लग जाओ, और कल मैं केमिस्ट्री में जो चेंजेस हुए हैं वो भी आपको वैष्णवी मैम से बोल दूंगी, वो बता देंगी, ठीक। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, बाय एवरीवन। सेशन को लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, और जरूर से अपकमिंग सेशंस के रिमाइंडर सेट करो, ठीक है। चलो बाय बाय।